कालाढूंगी के कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत पाटकोट क्षेत्र में विद्युत लाइन और फीडर निर्माण कार्य लगभग 3 वर्ष से लंबित था, जिस कारण कोटाबाग और पाटकोट क्षेत्र की जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वर्षों से लंबित विद्युत लाइन और फीडर का कार्य पूरा होने से स्थानीय क्षेत्रवासियों के सालों का इंतजार खत्म हो गया। वहीं उपखंड अधिकारी दीपक पाठक ने बताया कि फीडर पाटकोट क्षेत्र के लिए स्वतंत्र फीडर बन गया है, जिसकी लंबाई 47 किलोमीटर से घटकर 11 किलोमीटर रह गया, जिसका लाभ दोनों क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा। कालाढूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। देखिए, पाटकोट में जो लाइन जाती थी वो कोटाबाग से होकर जाती थी और वो कोटाबाग टाउन में और पाटकोट क्षेत्र में एनर्जाइज करता था, बिजली देता था। अब क्या वो लाइन थी 47 किलोमीटर के आसपास लाइन थी, जो अब घट के हो गई 11 किलोमीटर। तो उससे क्या हुआ, आपके शटडाउन कम होंगे, ब्रेकडाउन कम होंगे और रात के समय जो जंगल के समय जो एरिया जो है पाटकोट के कारण जो है कोटाबाग की लाइट प्रभावित थी वो प्रभावित नहीं हो पाएगी। दूसरा, पाटकोट वालों के लिए फायदा यह है कि उनको जो है कोटाबाग में कोई दिक्कत होती तो उनको लाइन बंद करा देती, उनके लिए फायदा यह है कि अब उनकी सेपरेट लाइन हो चुकी है।